ध्यान देने योग्य जरूरी बातें अपना कीमती समय निकालकर अवश्य सुने। नंबर एक, चावल की छोटी सी पोटली भी आपके नमक को सिलने से बचा सकती है। जब भी आप बर्तन में नमक रखें तो सबसे पहले चावल की एक छोटी सी पोटली बनाकर उसमें डाल दें और फिर नमक डब्बे के अंदर डालें। नंबर दो, अगर आप नमक, चीनी या दूसरे मसालों को प्लास्टिक के डब्बों में रखते हैं तो उन्हें कांच के जार में रखें। इस बात पर ध्यान रखें कि कांच का जार एयर टाइट होना चाहिए ताकि उनके अंदर नमी ना घुस पाए। नंबर तीन, अगर आपके घर का कुकर उबलते समय काला हो जाता है तो ये स्मार्ट टिप फॉलो करें। आलू या कुछ भी उबलते समय आप कुकर में नमक और नींबू का एक टुकड़ा काट कर डाल दें, कुकर वैसे का वैसा रहेगा। नंबर चार, नरम चपाती पाने के लिए आटा गूंथने के लिए गर्म पानी के साथ थोड़ा सा गर्म दूध का उपयोग करें। नंबर पाँच, मटर का हरा रंग बरकरार रखने के लिए हरी मटर का हरा रंग बरकरार रखने के लिए हरी मटर को उबलते समय उसमें एक चुटकी चीनी मिला लें। नंबर छः, नरम पकौड़े के लिए तलने से पहले बैटर में 2 छोटी चम्मच गर्म तेल डाल लीजिए। कुरकुरे पकौड़े के लिए बैटर में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिलाएं। नंबर सात, कोई सी भी दाल बनाने से पहले हमेशा दाल को 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रखने से दाल 2 सीटी में बन जाती है और टेस्टी भी बनती है। नंबर आठ, उपमा बनाते समय 1 कप सूजी में लगभग 1/4 कप दही पानी डालते समय मिलाएं, उपमा स्वादिष्ट बनेगा। नंबर नौ, बचे हुए सलाद को मिक्सी में पीस कर प्यूरी बनाएं, फिर उसे आटे में गूंथ कर रोटी या पराठे बनाएं, स्वादिष्ट बनेंगे। नंबर 10, लोहे की किसी चीज या फिर चाकू पर यदि जंग लग गई हो तो उस पर प्याज को काट कर रगड़ दीजिए, जंग निकल जाएगी। नंबर 11, ग्रेवी की सब्जी में प्याज डालने के लिए प्याज को तेल में थोड़ा फ्राई करने के बाद पीसें, सब्जी स्वादिष्ट बनेगी। नंबर 12, आटे के डिब्बे में तेज पत्ता रखने से आटा नमी से मुक्त रहता है और जल्दी खराब नहीं होता है। नंबर 13, यदि 2 बर्तन आपस में फंस गए हों तो जहाँ से वो फंसे हैं वहाँ पर थोड़ा सा तेल लगा दीजिए, आधे घंटे बाद थोड़ा सा घुमाने से निकल जाएंगे। नंबर 14, मिक्सी को साफ करने के लिए सिरका, नींबू का रस या मीठा सोडा एक स्प्रे बोतल भर के स्प्रे करें और 10 मिनट के लिए ऐसे ही रख दें। उसके बाद एक कॉटन या मलमल के कपड़े से क्लीन कर लें। लास्ट में एक साफ कपड़े से हल्के गुनगुने पानी में डीप करके सफाई करें। नंबर 16, जब आप कॉफी को उबाल कर पीते हैं तो कॉफी अक्सर जम जाती है, इसलिए कॉफी को जमने से बचाने के लिए उसमें चावल के कुछ दाने डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ऐसा करने से कॉफी जमेगी नहीं। नंबर 17, मक्खन को तेजी से नरम करने के लिए इसे छोटे टुकड़ों में काट लें। नंबर 18, स्वादिष्ट फिल्टर कॉफी बनाने के लिए कॉफी फिल्टर में कॉफी पाउडर डालने से पहले थोड़ी सी चीनी मिलाएं, फिर उसमें उबलता हुआ पानी डालें। नंबर 19, स्वादिष्ट और फूले हुए आमलेट के लिए अंडे फेंटते समय थोड़ा सा दूध या 1 बड़ा चम्मच पानी डालें। नंबर 20, फूल गोभी का सफ़ेद रंग बरकरार रखें, फूल गोभी पकाते समय 1 बड़ा चम्मच दूध डालें। नंबर 21, आपके पास अतिरिक्त नींबू हो तो नींबू के रस को आइस क्यूब में जमा दीजिए और जब भी ज़रूरत हो अपने व्यंजनों में इसका उपयोग करें, यह 15-20 दिन तक अच्छा रहता है। नंबर 22, नारियल को ठीक 2 बराबर हिस्सों में तोड़ने के लिए नारियल को गीला करें और अपनी उंगलियों से नारियल के मध्य दरार के चारों ओर एक काल्पनिक रेखा खींचें और फिर इसे तोड़ने का प्रयास करें। नारियल को बिल्कुल 2 हिस्सों में देखकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 23, फूले हुए और सफ़ेद दाने पाने के लिए चावल पकाते समय 1 बड़ा चम्मच ताज़ा नींबू का रस मिलाएं। नंबर 24, बिरयानी पुलाव के लिए तले हुए प्याज, बिरयानी और पुलाव को सजाने के लिए प्याज को भूनते समय 1 चुटकी चीनी मिलाएं ताकि वे जल्दी भूरे हो जाएं। नंबर 25, दाल पकाते समय उसमें 1 चम्मच तेल डालें ताकि दाल में झाग न बने और वह चारों ओर न फैले। एक और युक्त यह है कि पानी को उबलने से रोकने के लिए तवे के ऊपर एक लकड़ी के
करछुल रखें। नंबर 26, कूट्स और अन्य ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए चावल का आटा या भुने चने का पाउडर मिलाएं। नंबर 27, प्याज टमाटर बेस के साथ ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए 5 से 6 भीगी हुई काजू या ब्लांच किए हुए बादाम को बारीक पीसकर ग्रेवी में मिला दीजिए, फिर कुछ मिनट तक पकाएं। नंबर 28, ग्रेवी के अतिरिक्त पानी कैसे ठीक करें? 2 बड़े चम्मच खसखस को भून लें और पीसकर पेस्ट बना लें। इसे पानी वाली ग्रेवी में डालें और मध्यम आंच पर उबालें। नंबर 29, 1 टेबल स्पून मूंगफली और 1 टेबल स्पून तिल भून लें, पीसकर पेस्ट बना लें और ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए इसमें मिला दें। नंबर 30, कुरकुरी पूरियां बनाने के लिए गेहूं के आटे का आटा गूंथते समय गेहूं के आटे में 1 बड़ा चम्मच रवा या थोड़ा सा चावल का आटा मिलाएं। नंबर 31, कुरकुरी भिंडी फ्राई के लिए भिंडी तलते समय 1 बड़ा चम्मच दही या नींबू का रस मिलाएं, इससे चिपचिपाहट से भी बचाव होता है। नंबर 32, फलियों को अंकुरित करने के लिए उन्हें धोकर रात भर भिगो दें, अगले दिन इसे धोकर पानी निकाल दें और एक गीले कपड़े में बांधकर कैसरोल में रख दें। इसे 10 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें, यह अच्छे से अंकुरित होगा। आप स्पाउट्स को एक कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और आवश्यकतानुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 33, इडली के लिए मिक्सी में पीसना। चावल को गर्म पानी में 5 से 6 घंटे भिगो दीजिए। नंबर 34, बचे हुए चपाती के आटे को स्टोर करना। बचे हुए चपाती के आटे को सूखने से बचाने के लिए उस पर थोड़ा सा तेल लगाने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर में रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें। नंबर 35, प्याज काटते समय अब आंसू नहीं आएंगे, दोनों सिरे काट लें, प्याज छील लें और प्याज को ठंडे पानी में धो लें। नंबर 36, पनीर को नरम बनाने के लिए किसी भी ग्रेवी या कढ़ी में डालने से पहले उन्हें गर्म नमक वाले पानी में डुबोएं। नंबर 37, अदरक लहसुन के पेस्ट को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट को 1 बड़ा चम्मच गर्म खाना पकाने वाले तेल डालें, अच्छी तरह मिलाएं और इसे रेफ्रिजरेटर में रखें। नंबर 38, बचे हुए चावल को दोबारा गर्म करना। चावल पर पानी छिड़कें और फिर नर्म चावल पाने के लिए इसे दोबारा गर्म करें। नंबर 39, नींबू और नींबू से अधिक रस निकालें। नींबू से अधिक रस निकालने के लिए काटने और रस निकालने से पहले नींबू को आउटर टॉप पर रोल करें। नंबर 40, नींबू को 15 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करने से भी मदद मिलती है, ठंडा होने पर रस निकाल लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।